Afternoon, students. Welcome to the biology class. Today we are going to start our new chapter number 8, that is mineral nutrition in plants. आपको पता है जिस तरीके से एनिमल्स में हमें बैलेंस डाइट प्रीफर करते हैं कि हमारी जो डाइट होनी चाहिए इट शुड बी बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स ये सब क्या होना चाहिए प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए ठीक है और बैलेंस होने चाहिए जो कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर रन कर सकें उसी तरीके से प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स तो उनको भी उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है अब उनको फैट की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन जो है वो उनके अंदर जनरेट हो जाता है तो यहाँ पर उनको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी से ही वो क्या बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च और फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इन सब जो उनके फूड मटेरियल है उसको बनाने के लिए या उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और मिनरल्स का अपटेक करते हैं वो कहाँ से आउटर सोर्सेज से अब वो आउटर सोर्सेज से क्या हो सकते हैं लाइक एयर हो सकती है वाटर हो सकता है ठीक है तो यहाँ से वो क्या करते हैं मिनरल्स को अपटेक करते हैं तो सबसे पहले प्लांट्स जो हैं ऑल द लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल हमारी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें आउटसाइड से सब सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रन करवाती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं ठीक है अब आपको पता है न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दे कांट मेक देयर ओन फूड ठीक है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे शुड बी ग्रीन क्यों क्योंकि क्लोरोफिल होता है उनके अंदर पिगमेंट और उसी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और उससे क्या बनाते हैं प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं अगर हम पूरी इस अर्थ की बात करें यूनिवर्स की बात करें तो उसमें प्लांट्स ही क्या है प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर होने की वजह से इतना खाना खुद बना रहा है लेकिन इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है एसेंशियल जो है वो है क्लोरोफिल अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर अगर क्लोरोफिल जिससे बनता है उसकी कमी हो जाए तो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे और वो ऑटोट्रॉप्स भी नहीं होंगे ठीक है जैसे कि जिनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है जैसे कि फंगी है बैक्टीरियाज हैं कुछ एनिमल्स हैं हम हैं हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और प्लांट्स जो हैं वो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो खाना नहीं बनाते तो उनके अंदर क्लोरोफिल की अगर कंप्लीटली डिफिशियंसी है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो अब आता है हमारे पास अब मिनरल्स के बारे में सबसे पहले हमें बताया कि सबसाइडर ने हमें बताया एंड बॉन्ड शेड्स ने हमें बताया इसके बारे में मिनरल्स के बारे में कि प्लांट्स के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अब आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टडी ऑफ नेसेसरी ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स उसके लिए अलग अलग मेथड हैं कि कैसे पता लगा हमें कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो एनालिसिस ऑफ द प्लांट्स ऐश अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पहले तो फ्रेश प्लान लिया उसको 72-80 डिग्री पर क्या कर लिया गर्म कर लिया ओवन में अच्छे से ठीक है उसको रोस्ट कर लिया और उसके बाद क्या होगा जो हमारे पास जो रोस्ट होने के बाद जो ऐश रहती है जो डार्क होगी दैट इज ड्राई वेट ऑफ प्लांट वो पूरी तरीके से ड्राई वेट है और ड्राई वेट में वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म सूख चुका है और इसी को द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ड्राई वेट आर सेलोन पॉलीसेक्राइड्स लिग्निन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अब यहाँ पर जो प्लांट का ड्राई वेट है उसके अंदर क्या होगा तो कौन सा कंटेंट होगा सेलोन है इन और पॉलीसेक्राइड्स है लिग्निन है और साइटोप्लाज्म में जो भी मिनरल्स कंटेंट प्रेजेंट हैं वो सब किसके अंदर प्रेजेंट हैं ड्राई वेट के अंदर प्रेजेंट है इसके अंदर कुछ कुछ आपको ऑर्गेनिक एसिड भी मिल सकते हैं उसके बाद आपने इसको अगेन क्या किया आप किसी भी जो ऐश है उसको फिर आप या किसी भी प्लांट सब्सटेंस है उसको आप 6000 डिग्री की भट्टी में फर्नेस में वापस क्या करेंगे गर्म करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे प्लांट ऐश इट मे बी नॉन वॉलेटाइल मिनरल्स एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट अब वॉलेटाइल ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि गर्म करने पर क्या हो जाएंगे इवेपोरेट हो जाएंगे उड़ जाएंगे तो
उसको बोलेंगे वॉलेटाइल। और जो एच में जो होंगे वो कौन से होंगे, नॉन वॉलेटाइल होंगे। क्यों? क्योंकि वो हीट से इवेपोरेट नहीं हुए हैं। दिस मेथड डज नॉट डिसाइड यूटिलिटी और नेसेसिटी ऑफ द मिनरल्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस एच जो है इसका हम एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं और वो एलिमेंट्स जो भी होंगे इसका अंदर वो प्लांट्स के लिए जरूरी थे। क्यों? क्योंकि तभी उनको प्लांट्स ने क्या किया, अपडेट किया और उनकी बॉडी में वो प्रेजेंट हैं। अब आता है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब इसमें यहाँ पर जो ये एनालिसिस ऑफ प्लांट एज था, ये हमें ये तो बताता है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या मिनरल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी क्या क्या जरूरत, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमें एनालिसिस ऑफ प्लांट्स एज नहीं बताता है। सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, अब इसमें क्या होगा, आपने इन दिस मैथड डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर इस मैथड से हम कौन कौन से एलिमेंट प्लांट्स के लिए यूजफुल हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या हुआ, पहले से प्लांट्स को अच्छे से क्या कर दिया हमने, वॉश कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड मैट, और उसको क्या बना दिया, स्टेराइल बना दिया, मतलब उसमें बिल्कुल जम फ्री हो चुका है। वो स्टेराइल सॉल्ट डज नॉट हैज एनी मिनरल एलिमेंट and it is then in the method determining the utility of different elements in plant, plants are cultured growth in sand। अच्छा, आपने ये सैंड की बात कर रही है, अपन को क्या पता सैंड को जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूरी तरीके से वॉश कर लिया, जंक फ्री हो गई है वो, एंड इट इज देन वॉश विद द वाटर एंड ड्राई, उसके बाद वाटर से धोया उसके बाद अपन ने ड्राई कर लिया। एंड दियर प्लांट्स विच आर गिवन ऑल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्विंग वाटर। अब आप, अच्छा यहाँ पर हम सैंड को क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ सैंड में होती है, तो प्लांट्स जो मिनरल्स को अपटेक करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, सैंड के थ्रू करेंगे। अब आपने वो जो सैंड लिया उसको पहले आपने स्टेराइल कर लिया, अब वाटर से ग्रो किया, अब वापस आपने डिजॉल्व कर दिया उसको वाटर में। रिमेनिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन सेपरेट कंटेनर्स एंड गिवन वन ऑर मोर मिनरल्स एलिमेंट्स इन डिफिशियंसी। अब आपने क्या किया, उस जो सैंड है उसमें देख लिया कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो आपने मिनरल्स को क्या कर दिया, डिफिशियंसी कर ली कि अच्छा इसके अंदर भी जो सॉइल है इसके अंदर मैग्नीशियम कम हो गया, उसके बाद किसी में पोटेशियम कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्लांट्स को उस सैंड को क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि प्लांट्स के अंदर अगर ये वाला मिनरल्स हमने कम रखा था तो उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर इन द अबोव वेरियस डिफिकल्टीज सम देयरफॉर इन अ प्लेस ऑफ सैंड अदर मीडिया सब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम सैंड को क्या लेकर कुछ स्पेशल क्वालिटी का मीडिया लेंगे जिसमें हम प्लांट को ग्रो करवाएंगे, तो ये हो सकते हैं क्वार्ट्स हो सकते हैं, प्लास्टिक चिप्स होते हैं, वर्मी कल्चर हो सकता है, आर्टिफिशियल सैंड हो सकती है। वर्मी कल्चर इज द मिनरल सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द अर्थ इन द नेचुरल स्टेट। वर्मी कल्चर इज लाइट इन वेट फ्रॉम केमिकली इनर्ट, इसमें सभी प्रकार के केमिकल प्रेजेंट होंगे और ये क्या होगी, बहुत हल्की होती है एंड हैज अ वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और बहुत अच्छी वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। तो आजकल जो ये है वर्मी कोलोफोनिक्स जो है यही यूज़ किया जा रहा है आजकल क्या करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, और इससे हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से मिनरल्स प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जो मिनरल्स हैं, देखिए यहाँ पर कुछ तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, रोटी कपड़ा और रोटी, अब जो हमारी खाना है उसके अंदर भी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी के लिए जरूरी है और प्रोटीन भी जरूरी है। तो उसी तरीके से प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो बेसिक मिनरल्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर C6H12O6, ठीक है, इसके अंदर में तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब इससे क्या बन रहा है, मेन जो फूड कंटेंट है प्लांट का वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर प्लांट के पास बेसिक न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके बाद सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे की तरफ आगे आने वाली जो लेक्चर है उनमें स्टडी करेंगे। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, NPK, जो प्लांट्स को खाद दी जाती है उसमें भी NPK, स्पेशली जो कंपोस्ट होती है उसके अंदर NPK होना ही चाहिए, क्योंकि NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, अगर ये नहीं होगा तो प्लांट की
कोबाल्ट और भी हैं। अब इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी में जो जरूरी होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो भी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए प्लांट्स के अंदर वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही। तो फेरस हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब आता है हमारे पास वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ पर हम वाटर के अंदर सारे के सारे मिनरल्स को ऐड कर देंगे और किसी वाटर में उन मिनरल्स की कमी रख देंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि उसका प्लांट्स के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसको, जिसको भी बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। बहुत बार आप सुन सकते हैं इस टेक्निक के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर है, मिट्टी की जरूरत नहीं है। जैसा भी हम देखते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, प्लांट्स को हम वाटर में आसानी से क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि सैक्स एंड लॉक ने इसके बारे में हमें बताया था। उसके बाद आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि मेनी मिनरल्स एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और इसमें से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें से जो अलग अलग वैरायटी है 17 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए क्या है, एसेंशियल है, और उसके बाद रिमेनिंग जो भी हैं ठीक है वो क्या है, नॉन एसेंशियल है, मतलब प्लांट्स के लिए होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर उन 17 एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स देता है नीडेड फॉर द जनरल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं ग्रीन, और उनकी बेसिक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए। एसेंशियली ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक, द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी कम्प्लीटेड बाई द सेम एलिमेंट ओनली। अब एसेंशियल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ की कमी हो गई तो ऐसा नहीं है कि कोई सा दूसरा एलिमेंट उस चीज़ को पूरा कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी एक एलिमेंट की कमी है तो प्लांट के अंदर उसका इफेक्ट शो होगा, और जब हम उस प्लांट को वो वाला एलिमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर वो कमी दूर होगी। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट की कमी दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता, उसी एलिमेंट से वो कमी पूरी होगी। तो ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दैट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ अबोव पैरामीटर्स ओनली एसेंशियल एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स स्पेसिफिक सिम्टम्स आर ऑब्जर्व। किसी भी एलिमेंट की अगर कमी हो जाती है तो स्पेसिफिक सिम्टम्स प्लांट के अंदर नजर आते हैं, और उन्हीं के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल को मैक्रो एंड माइक्रो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में स्टडी करें।